नो पिताजी, आन और सुनियो हो गए छोटे। आज तो पुरानी यादें ताजा हो गई। बचपन में तो तुम भी ऐसे खिलौनों से खेलते होगे, क्यों है ना दोस्तों? हाँ, सच में बिल्कुल। जब हम छोटे थे तब हर खेल कितना शानदार होता था, है ना दोस्तों? तुमने सही कहा, हम वापस छोटे कभी नहीं बन पाएंगे। क्या कहा तुमने? सही कहा। हाँ नोबिता। डोरेमोन। ओफो, ये भी कोई सोने का वक्त है भला? उठा जियाने। कोई ऐसा गैजेट लाओ जिससे हम वापस छोटे बन जाएं। प्लीज मुझे ऐसा कुछ दो ना। मुझे सोने दो, मैंने पूरी रात जाकर अपने गैजेट्स ठीक किए। ठीक है, मैं खुद ही कुछ ना कुछ ढूंढ लूंगा। क्या करो? <करा? laughs> ये रही स्पॉट लाइट। आइडिया अच्छा है ना? बाय। ठीक है, ये सही रहेगा। हाँ, तुम लोग तो कितने छोटे हो गए। ये तो जंगल जैसा है। चलो धक्का मारो, धक्का मारो और मारो। तुम भी धक्का मारो। चुप हो जाओ और धक्का मारते रहो। और नहीं मारा जा रहा। ठीक है, तो अब तुम लोग अंदर आ जाओ। हाँ? सकता हूँ। ये तो टूट गई। मैंने सोचा नहीं था ऐसा कुछ होगा। अब मैं क्या करूँगा, ये बुरा हुआ। अगर ये टूट गई तो हम क्या कर सकते हैं? हे नोबिता, चलो वापस बड़े हो जाएं। हाँ ठीक है। अरे काम। अब ये मत कहना कि तुम गैजेट लाना भूल गए और हम वापस पहले जैसे नहीं बन सकते। लगता है ऐसे ही कुछ हुआ। नोबिता, ये क्या किया? अभी हमें घर जाना चाहिए। अब सोचो हम वापस बड़े कैसे होंगे। तुमने बहुत बड़ी गलती की है नोबिता। हमारा घर ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते हुए हमें बहुत देर लगेगी। मेरा घर पास में ही है। पास में ही है नोबिता? देखो, अभी हम जहाँ पर है वो है पिंक स्पॉट और हमें पहुँचना है ब्लू स्पॉट तक, मतलब 200 मीटर इंटू 100 मीटर, जिसका मतलब 20 किलोमीटर है। समझ गए तुम? मुझे नहीं लगता कि वक्त रहते हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे दोस्तों। सुनियो, घबराओ मत। देखो, हमें वहाँ जाना ही होगा। चलो चलते हैं। चलो, डोरेमोन ही कुछ कर सकता है। मुझे लगता है उस तरफ से जाना चाहिए। मुझे लग रही है। देखो, ये तो रोड आ गई। अब हम घर पहुंच पाएंगे। अरे एक मिनट रुको। अरे नहीं रुको। बस तुम्हारे मन में हिम्मत होनी चाहिए। चलो। नोबिता, डर लग रहा है। जल्दी करो, अपनी आंखें बंद करो और कूद जाओ। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ। जल्दी करो। मैं ये नहीं कर सकता। तुम डरते रहना वहीं। तुम बहुत ही डरपोक हो। अरे रुको। हम वापस जरूर आएंगे, बस एक बार बड़े हो जाएं। अगर मन किया तो जरूर आएंगे नोबिता। एक सेकंड रुको, तुम्हारे
तुम्हारे लिए कहना कितना आसान है, मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छे जियान, इस वक्त में तुमसे अच्छा साथी और कोई नहीं हो सकता। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारे बिना मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाता, नोबिता होता तो बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरे साथ बिल्कुल सुरक्षित हो, सुनियो, घबराओ मत। ठीक है, चलो इस तरफ चलते हैं। जियान, ये एक शॉर्टकट लगता है, लेकिन ये थोड़ा खतरनाक लगता है जियान। अरे डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो। लेकिन हे, क्या कहा तुमने? तुम अभी कह रहे थे ना कि मैं भरोसेमंद हूँ, तो चलो मेरे साथ। वो तो ठीक है, तुम जो चाहे वो करो। अच्छा ठीक है, रुक जाओ जियान, मेरे लिए रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तो ठीक है, मैं तीन की गिनती पर कूदने वाला हूँ, 1 2 3। मैं नहीं कूद सकता। अरे आखिर ये पैदल चलना सच में बहुत मुश्किल है। अरे ये क्या है? मुझे लगता है ये बस एक कीड़ा ही है। ठीक है, मैं इसके ऊपर बैठकर चला जाता हूँ। अरे वाह, हे चलो चलो भागो जल्दी। हे तुम क्या कर रहे हो, चलोगे नहीं? अरे हाँ, वाह क्या स्पीड है, वाह मजा आ गया। अरे ये तो बहुत मजेदार लगता है। हवा ही है, मैं तो डर गया। अबे खेले जा रहा हूँ, जरा संभल के। अरे वाह, मैं बच गया। मुझे बचाओ मम्मा। आज मैं इस बिल्ली को माफ कर देता हूँ, लेकिन ये मुझसे नहीं बचेगी। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे पता है, मैं इसकी मदद से नीचे तक पहुंच सकता हूँ। अरे वाह, अरे ये तो मेरा घर है। कमाल है, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। तुम्हारा शुक्रिया, मैं घर वापस पहुँच गया। छोटे होकर दुनिया कुछ अलग सी ही दिखने लगती है, मुझे ध्यान से रहना होगा। हाँ, गाड़ियाँ तो ऐसी हैं जैसे बड़ी बिल्डिंग। आखिर मैं बाहर निकल ही गया। बस अब तो नोबिता का घर थोड़ा ही दूर है, बस पहुँच ही गया। ये कितना मुश्किल है। सुनियो, हाँ? क्या तुम रो रहे हो? क्या कहा, लेकिन मैं कभी नहीं रोता। मैं तो बहुत रोया था सुनियो। मैं अकेला पड़ गया था जब तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। आखिर इस सबके पीछे गलती भी तुम्हारी ही है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल,
अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ नोबिता, बताओ कहाँ चलना है। तुम्हारा हा? शुक्रिया। अरे शुक्रिया की जरूरत नहीं है नोबिता। बचाओ, कोई बचाओ। ये तो जियान की आवाज है। मुझे बचाओ। कहाँ से आ रही है? जियान कहाँ हो? कोई बचाओ ना मुझे। सुनो प्लीज मेरी मदद करो यहाँ पर आकर। क्या तुम वहाँ खड़े ही रहोगे या यहाँ आकर मेरी मदद करोगे? क्या तुम्हें मदद मेरी मदद करो ना प्लीज। सुनो सुनियो, पहले ये बोलो प्लीज दोस्तों मेरी मदद करो। क्यों तुम दोनों सुन नहीं रहे? प्लीज मेरी मदद करो ना दोस्तों प्लीज। पहले जियान ये बोलो कि तुम अब से मेरी सारी बातें माना करोगे, ठीक है? मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने देखा नोबिता, जियान का बर्ताव नहीं बदल रहा है, हमें चलना चाहिए, ठीक है? हाँ मैं सुनूंगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। सुनियो ये हुई ना बात, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है नोबिता, देखो इसकी खुशबू से चींटियां चली आएंगी और जियान को छोड़ देंगी। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया, है ना लाजवाब? क्या ये काम करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा, उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है नोबिता, देखना वो खुद को रोक नहीं पाएंगी। अब हम क्या करेंगे बताओ। सुनियो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे पता है कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। अगर मैं कैंडी उधर की तरफ फेंक दूंगा तो उसकी खुशबू से ये सारी चींटियां उधर चली जाएंगी नोबिता, बहुत आसान है। चलो ठीक है, अब जल्दी से कुछ करो। हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ। येलो उन सबका ध्यान भटकाते रहो। इधर मत आना। अरे तुम क्यों बना रहे हो? अरे हमें बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? हमारी मदद तुम ही तो करोगे जियान, और कौन करेगा? तुम ही हमारे दोस्त हो। वहाँ जाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। अरे ये मेरा घर है। ठीक है, आखिरकार हम आ गए, हम वापस बड़े हो जाएंगे बहुत जल्दी। मॉम, डोरेमोन। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लाना है आलू, गाजर, नोबिता के लिए नूडल्स, कहीं मैं कुछ भूली तो नहीं? चलो। अरे ये तो हार मत मानो। अरे नहीं, हम इतनी ऊपर कैसे जाएंगे? डोरेमोन चलो। ये सब क्या है, अब हम क्या करें? डोरेमोन, हे सुनो डोरेमोन। अरे डोरेमोन सुनो। डोरेमोन रुको। डोरेमोन ये सब कुछ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। डोरेमोन तो चला गया, अब हम क्या करेंगे? मम्मा मैं बचा। रोना बंद।
काम करो। ऐसे हार मत मानो। और क्या करूं? उस तक हम कभी नहीं पहुंच सकते। चाहे हम एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर पहुंचने की कोशिश करें तो भी नहीं। लड़ाई करने का वक्त नहीं है दोस्तों। अगर हम इसका इस्तेमाल करें हम इसकी मदद से ऊपर जा सकते हैं। सुनियो, तुम्हें बस इसे पकड़कर खींचना है, समझ गए? मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन इसके ऊपर भला कोई चढ़ेगा कैसे? अरे नहीं, इसकी मदद से हम ऊपर जा सकते हैं। हम इससे ऊपर जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, बस इसके ऊपर हमें इस तरह से कूदना है नोबिता। ये अरे अरे नहीं, लो इसको भी साथ में रखो और फिर एक रनवे बनाओ और एक ही बारी में ऊपर चढ़ जाना, ठीक है? ये भी बेकार। क्या कहा तुमने? उसने कुछ नहीं कहा। हम ऐसा करते हैं, इन तीनों आइडियाज को मिला लेते हैं। क्या तुम तैयार हो नोबिता? ठीक है। चलो फिर से। अब जब हम इतनी दूर आ गए हैं चीजें आसान हो जाएंगी। थोड़ा और आगे। चलो चलो। रस्सी को काट दो। हम नहीं कर पाएंगे। ये करना ठीक नहीं। सुनियो नोबिता, ये ठीक है। चलो साथ में चिल्लाते हैं। ओके डोरेमोन, डोरेमोन। हम इतने छोटे हो गए और वो भी हमेशा के लिए। क्या बात है, नोबिता को फिर से मेरी मदद चाहिए। नोबिता कहाँ हो? वो कहाँ जवाब क्यों नहीं दे रहे? नोबिता! शुक्र है वो चला गया। मुझे लगा था कहीं वो हम पर पैर ही न रख दे। लेकिन एक बात बताओ, डोरेमोन के बिना हमें पहले जैसा वापस कौन करेगा दोस्तों? बोलो। मुझे तो लगता है कि अब हमें अपनी बाकी की जिंदगी इसी तरह बितानी होगी। हार मत मानो सुनियो, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे भी पहुँच जाएंगे। हाँ सही कहा। हम जानते थे कि ये सब नामुमकिन था, फिर भी हमने साथ में हर मुश्किल का सामना किया है। सुनियो तुमने सही कहा जियान, आज हम तीनों की दोस्ती ने एक कमाल करके दिखाया है, समझे?
हम वापस बड़े हो गए लेकिन कैसे? अरे हाँ, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। अगर खुद को स्मॉल लाइट के इस्तेमाल से छोटा करते हो तो कुछ घंटे बाद उसका असर खत्म हो जाता है। क्या कहा, तुम ये बात भूल गए थे? अगर तुमने ये बात हमें पहले बताई होती तो हम इतनी मेहनत ही ना करते, हम वहाँ रहते हुए भी बड़े हो जाते। ये सब तुम्हारी गलती है, समझे? ये सुनियो का प्लान था कि हम छोटे हो जाएं, तो मेरी गलती कैसे हुई? देखो, तुम बात को घुमाने की कोशिश कर रहे हो नोबिता, समझे? नोबिता तुम कहाँ हो? मेरी गलती नोबिता, जवाब दो नोबिता।